मूल विधि एवं संविधान की निःशुल्क कक्षाएं 25 सितंबर से विधि विशेषज्ञ सत्यपाल सर द्वारा। कक्षाओं को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है और अब तक हमने 26 क्वेश्चन जो है क्लाइमेटोलॉजी से किया था। अब इसमें हम लोग 26 से लेके नेक्स्ट जो आपका 10 या 12 इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं उसको करेंगे इसमें सॉल्व, ठीक। और इसमें टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो आपका क्लाइमेटोलॉजी से होगा। इसी तरह से इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, ओशिनोग्राफी से, ज्योग्राफिकल थाट से, सभी यूनिट से यहाँ पे आपको अवेलेबल कराए जाएंगे क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं या पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाए, ठीक। तो आइए एक प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, किस यंत्र से पवन गति मापी जाती है? किस यंत्र से पवन की गति मापी जाती है? तो यहाँ पे देखिए, आप अटेम्प्ट करिए अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, हिप्सोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, ठीक। तो 27वां यानी 27 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपका सेकंड होगा, यानी कि एनीमोमीटर, ठीक। क्या होगा, किस यंत्र से पवन की गति मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। सेकंड आ जाइए, विस्पी सफ़ेद रंग के बादलों को क्या कहते हैं? सीरस, मुकुटधारी बादल, निम्बस या स्टेटस? तो यहाँ से जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, ये जो विस्पी यानी सफ़ेद रंग के बादल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे राइट आंसर इज, आप भी ट्राई करिए, 28 का ए, ठीक। यानी सीरस जो है ये आपका सफ़ेद रंग के बादल होते हैं। तो इसको भी हमने आपको वीडियो में प्रोवाइड कराया है, पूरे बादलों का वर्गीकरण हमने किया है, ठीक, उसको आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जिस ग्राफ पर दैनिक, मासिक अथवा वार्षिक तापमान तथा सापेक्षिक आर्द्रता अंकित की जाए उसको निम्न में से क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें उस ग्राफ की बात की जा रही है जहाँ पे आपका दैनिक, मासिक और वार्षिक तापमान तथा सापेक्षिक आर्द्रता चारों यहाँ वहाँ पे अंकित की जाए, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड ग्राफ, एरगोग्राफ, हीदर ग्राफ या क्लाइमोग्राफ? तो सही उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज डी, यानी 29 यानी 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लाइमोग्राफ, यानी कि क्लाइमोग्राफ पर दैनिक, मासिक, वार्षिक और सापेक्षिक आर्द्रता अंकित की जाती है। चलिए 30 देखिए, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? कंटूर, आइसोहेलाइन, आइसोहेलाइन और आइसोलाइन, नेक्स्ट है आइसोनिफ। ध्यान रखिएगा, प्रश्न है समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइन किसको खींची जाती है, समान ऊंचाई वाले जो प्लेस हैं उसको मिलाने के लिए कंटूर लाइन खींची जाती है, ठीक। तो राइट आंसर इज ए, 30 का ए। चलिए इसी तरह से 31वां देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न है यहाँ पे सूची 1 को मिलाना है, आइसो लाइन दिया है यानी सममूल्य रेखा। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ही माइन्यूट अंतर होते हैं, उसको आप देख लीजिए। सम मूल्य रेखा यानी आइसो लाइन, उसकी परिभाषा यानी उसके अंतर्गत क्या शामिल होता है? ए है आइसोहेल, बी है आइसो हाइट, सी है आइसोनिफ, डी है आइसोनिफ, ठीक, आइसोनिफ और आइसोनिफ, ध्यान रखिएगा इसको। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा उसमें क्या है, आइसोहेलाइन। ये कौन सी रेखा होती है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आपका आइसो हाइट। आइसो हाइट जो है ये आइसो हाइट यानी कि जो समान वर्षा रेखा होता है उसे आइसो हाइट कहा जाता है, और आइसो हिल जो है सम धूप रेखा को आइसो हिल कहा जाता है। आइसोनिफ किसे कहा जाता है,
आइसोनेफ यानी कि जो सम मेघ रेखा होती, ध्यान रखिएगा सम मेघ रेखा, आइसोनेफ यानी सम मेघ रेखा को आइसोनेफ कहा जाएगा। और आइसोनिफ बचा क्या, हिमपात रेखा, तो समान हिमपात रेखा को आइसोनिफ कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो आइसोनिफ है वो पहले से मिल जाएगा, आइसोनिफ दूसरे से, आइसोहाइट तीसरे से और आइसोहेल चौथे से, सॉरी आइसोहेल आपका तीसरे से समधूप रेखा से, आइसोहाइट समवर्षा रेखा से यानी चौथे से, तो सही उत्तर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, आइसोटिम शब्द का अर्थ क्या है। आइसोटिम समभार रेखा, सम मेघ रेखा, समान शारीरिक आराम रेखा या सम तुषार रेखा। तो 32 का जो सही उत्तर है आइसोटिम यानी समान शारीरिक आराम रेखा। ठीक, नेक्स्ट है बहुत दूरी पर चमकने वाली बिजली को क्या कहते हैं। 33वां ध्यान रखिएगा, बहुत दूरी तक चमकने वाली बिजली को क्या कहा जाता है, दूरस्थ चमक, उष्मक चमक, ठंडी चमक या गरज। 33वां का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत दूरी तक चमकने वाली बिजली को उष्मक चमक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, उष्मक चमक, उष्मा चमक कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 34, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी UTC किस नगर से मापा जाता है, बर्लिन, लंदन, पेरिस, रोम। सही उत्तर क्या है 34वां का, कहाँ से आपका UTC मापा जाता है, तो राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेरिस, यानी UTC किस नगर से मापा जाता है, पेरिस से। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिन के प्रकाश की बचत डिलाइट सेविंग टाइम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कूट की आपको चुनाव करना है। उत्तरी गोलार्ध के बसंत ऋतु में घड़ियों को एक घंटा आगे तथा पतझड़ ऋतु में एक घंटा पीछे कर दिया जाता है। दूसरा है प्रतिवर्ष अप्रैल के पहले रविवार को समय एक घंटा आगे तथा अक्टूबर के आखिरी रविवार को समय एक घंटा पीछे चला जाता है, यानी पीछे किया जाता है। तीसरा है कि समय का इस प्रकार घटाना या बढ़ाना USA के यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के हर एक राज्य में किया जाता है। तो 35वां का जो सही उत्तर यहाँ पे कूट देखिए, 1-2 सही है, 1-3 सही है, 2-3 सही है, सभी सही हैं। 35वां का जो सही उत्तर है वो क्या है, 1 और 2, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु में घड़ियों को एक घंटा आगे, पतझड़ में एक घंटा पीछे कर दिया जाता है। प्रतिवर्ष अप्रैल के प्रथम रविवार को एक घंटा आगे, अक्टूबर के आखिरी रविवार को एक घंटा पीछे किया जाता है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 का ए। चलिए नेक्स्ट आते हैं ड्रमलिन, ड्रमलिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है हिमनद द्वारा अपर्दित भू आकृति ड्रमलिन होती हैं, हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपी भूआकृत ड्रमलिन है, या पवन द्वारा निक्षेपित भूआकृत ड्रमलिन है। तो यहाँ पे देखिए ड्रमलिन क्या है, ये इसमें ड्रमलिन जो है ये आपका हिम नदी आकृति होती है, ये आपको पता है, लेकिन यह किस प्रकार की है, डिपोजिशनल या इरोजनल। तो ड्रमलिन जो है ये आपका हिमनद द्वारा निक्षेप निर्मित डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होता है। ठीक, ड्रमलिन कैसा होता है, निक्षेपी आकृति होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 37वां है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा में उत्तरी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे देखिए गलत ये बना दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में ही अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे देखिए ये दक्षिणी गोलार्ध होना चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक वर्षा होती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा देखिए, विश्व की सबसे अधिक वर्षा विषुवत रेखा के निकट 10 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य की पेटी में होती है,
विश्व में 20 डिग्री तथा 30 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण में कम वर्षा होती है। डी वाला है 0 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण में 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला ये ऑप्शन गलत क्यों है, उत्तरी गोलार्ध जो दिया है यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक वर्षा नहीं प्राप्त होती, बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका अधिक वर्षा प्राप्त होती है, उत्तरी गोलार्ध में कम। विश्व की सबसे अधिक वर्षा विषुवत रेखा के निकट 10 डिग्री से नहीं बल्कि 0 डिग्री के आसपास, जैसा कि फोर्थ ऑप्शन इसमें बनाया गया है। तो ये जो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला 37 का डी, 0 से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी वाले में जितनी वर्षा प्राप्त होती है उसकी तुलना में 0 से लेकर 10 डिग्री उत्तरी पार्ट में उतनी वर्षा नहीं प्राप्त होती, यानी कम होती है। निम्न में से कौन सी विशेषता विषुवत रेखीय ट्रॉपिकल वनों की नहीं है, यानी कि जो विषुवत रेखीय उष्णकटिबंधीय वन है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, घने हरे भरे वन, चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन, घनी छतरी वाले 3 परतीय वृक्ष, वृक्षों तथा पशुओं के सीमित प्रकार। तो जो 38 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृक्षों तथा पशुओं के सीमित प्रकार। तो ट्रॉपिकल वन की ये विशेषता नहीं है, हरे भरे वन होते ही हैं, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं, और छतरी नुमा भी वन बहुत घना वन ये होता है विषुवत रेखीय वन, इसीलिए इसका दोहन नहीं किया जा सकता, लेकिन वृक्षों और पशुओं के सीमित प्रकार ये आपका राइट नहीं है। ठीक, तो इसमें डी आंसर सही है। तो इसी तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको कराए जाएंगे, और साथ ही साथ लास्ट में आपको एक पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पे दे दिया जाएगा, जिससे आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जितना भी टॉपिक कराएगा उसका पीडीएफ आपको लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे सब तब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद आप उसमें अटेम्प्ट करिएगा कि कितना आपने यहाँ से देख के कितना उसमें फिर सही कर सकते हैं। तो 2 बार जब आप करेंगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। निश्चित तौर पर इसी के आसपास से प्रश्न बनते हैं, या इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में, या इसी टाइप के प्रश्न आपको हूबहू किसी न किसी परीक्षाओं में आपको निश्चित तौर पे मिल जाएंगे। चाहे आप व्याख्याता परीक्षा दीजिए, पीजीटी दीजिए, या असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर अगर आप यूजीसी नेट देने जा रहे हैं तो। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।